तो आज हम इसी ड्रोन की मदद से रात में भी सूरज देखने वाले हैं। कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, लेकिन रात में हमें सूरज दिखाई नहीं देता क्योंकि उस समय सूरज पृथ्वी के पीछे होता है। तो इसके लिए आज मैं इस ड्रोन को रात के समय में जमीन से उड़ा करके आसमान में बहुत ऊंचाई तक ले जाऊंगा और फिर देखते हैं कि वहाँ से हमें सूरज दिखाई देता है या फिर नहीं। यार अभी पूरी तरह से रात हो चुकी है और सूरज हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो अब इस ड्रोन को उड़ाते हैं। अरे यार लेकिन यहाँ तो चांद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इस ड्रोन को 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ाया लेकिन सूरज तो हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार हम ड्रोन की मदद से सूरज को अस्त होते ही देखेंगे, फिर देखते हैं कि अस्त होने के बाद सूरज हमें दिखाई देता है या फिर नहीं। तो यार पूरी तरह से डूबने के बाद भी सूरज हमें ड्रोन की मदद से दिखाई तो दिया, लेकिन बादलों की वजह से हम इसको अच्छे से देख नहीं पाए। लेकिन अगली सुबह मैंने सूर्य उदय होने से पहले इस ड्रोन को 1100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा दिया और लिटरली अभी जमीन से हमें सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस ड्रोन की मदद से हमने 30 मिनट पहले ही सूरज को उदय होने से पहले ही देख लिया।